हमास के खिलाफ युद्ध में इसराइल चौतरफा दबाव झेल रहा है। गाजा में लगातार भीषण होते जा रहे जंगी हालात के बीच विश्व बिरादरी ने भी इसराइल को युद्ध रोकने का खासा प्रेशर मिल रहा है। वहीं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने तो नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी करने की अपील दायर कर इसराइल को घेरने की कोशिश की है। इस बीच इजरायली सेना ने भी आपसी फूट का बीच पड़ चुका है। अब तो खुद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के बीच ही मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। ऐसे में इजरायली सेना भी दो खेमों में बढ़ती जा रही है, जहां एक खेमा रक्षा मंत्री के साथ खड़ा दिख रहा है तो दूसरा खेमा आक्रामक तेवर दिखाए नेतन्याहू का समर्थन कर रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर नकाब पोश इजरायली रिजर्व सैनिक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह रक्षा मंत्री योव गैलेंट के इस्तीफे की मांग करता है, साथ ही धमकी देता है कि जब तक इजरायल हमास पर जीत हासिल नहीं कर लेता तब तक वह सेना के आदेशों को बिल्कुल नहीं मानेगा। जवान ने कहा कि पीएम नेतन्याहू का ये संदेश आपके लिए है, हम रिजर्व फोर्स गाजा को किसी भी फिलिस्तीनी प्राधिकारी को सौंपने से इनकार करते हैं। हम हमास या किसी अन्य को गाजा पर कंट्रोल नहीं करने देंगे। रिजर्व सैनिक आपके पीछे खड़े हैं और हम जीत हासिल करना चाहते हैं। हमारे पास एक शानदार मौका है जिसमें 1,00,000 रिजर्व सैनिक इसराइल के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार है। हमने अपना परिवार अपनी काम खो दिया है और हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। हम आखिर तक जीत तक डटे रहेंगे। रक्षा मंत्री योव गैलेंट, आप यह युद्ध नहीं जीत सकते, आप हमें आदेश नहीं दे सकते, आप इस्तीफा दें। सैनिक सिर्फ नेतन्याहू के आदेश का पालन करेंगे। 1,00,000 रिजर्व सैनिक सीमा पर रहेंगे। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद से इजरायली सेना में हड़कंप मचा हुआ है। गाजा युद्ध में खतरनाक तरीके से फंसी इजरायली सेना के लिए ये अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं। सेना के भीतर पड़ रही फूट से मोर्चे पर तैनात टुकड़ियों का भी मनोबल डगमगा गया है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इजरायली सेना ने वायरल वीडियो पर गंभीरता दिखाते हुए जांच के आदेश भी देते हुए कहा, जिसने सरकार की ओर से हमास पर पूर्ण विजय के लिए कोशिश नहीं करने पर विद्रोह की धमकी दी थी। वीडियो में आईडीएफ के आदेशों और आईडीएफ मूल्यों पर गंभीर उल्लंघन है और आपराधिक अपराध का संदेह है। ऐसे में सैनिक के हालिया भड़काऊ बयान के बाद गाजा के भविष्य के शासन पर चल रही चर्चाओं को फिर उबाल मिला है। गौरतलब है कि बीते दिनों इजरायली रक्षा मंत्री ने नेतन्याहू को दो टूक कहा कि गाजा के भविष्य को लेकर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। ये पहली बार है जब इजरायली सरकार के अंदर से ही पीएम नेतन्याहू को सीधी चुनौती मिल रही है। रक्षा मंत्री गैलेंट ने नेतन्याहू को चेताया है कि वो गाजा में इजरायली मिलिट्री या सिविल शासन के लिए सहमति नहीं देंगे। हमास के खिलाफ युद्ध में जो बढ़त इजरायल को मिल रही है वो कम होती जा रही है। इजरायल की सुरक्षा दांव पर है। फिलिस्तीनी संस्थाओं की ओर से गाजा पर शासन इजरायल के हित में होगा। अगर गाजा को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो हमास एक बार फिर से संगठित होकर समस्या खड़ी करेगा और इजरायल की सारी मेहनत पर पानी फेर देगा। हमें हमास की शासन करने की क्षमताओं को खत्म करना होगा और वहां पर शासन करने वाले वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। बहरहाल आने वाले दिनों में ये देखना काफी अहम रहेगा कि रिजर्व सैनिक की इस मुहिम को कितना और किस हद तक समर्थन मिलता है। वहीं आईडीएफ इस पर कितनी गंभीरता से कार्रवाई करती है, साथ ही आपसी फूट का इजरायल हमास युद्ध पर कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा,